हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास फाइव इंग्लिश एंड द बुक इज कल्याणीज न्यू इंग्लिश रीडर ए पाथ फाइंडर फॉर टीनी टॉट्स बुक फाइव चैप्टर वन टॉपिक नेम काइंडनेस पेज मतलब दया प्रदान करना मतलब दया पेज मतलब प्रदान करना दया प्रदान करना तो बच्चों ये एक स्टोरी है एक चूहा और एक शेर के बारे में आज हम यही वाला स्टोरी पढ़ेंगे चूहा और शेर के बारे में तो बच्चों पढ़ाते टाइम में जो जो भी डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग बताऊं सबको अपने अपने नोट पे लिख के रखना सो लेट्स स्टार्ट अपॉन ए टाइम ए फॉरेस्ट वाज रूल्ड बाय ए बिग एंड फियर्स लायन एक समय की बात है एक बड़ा भयंकर शेर के नियमों के अनुसार जंगल चलता था वन्स अपॉन ए टाइम मतलब एक समय की बात है फॉरेस्ट मतलब जंगल रूल मतलब नियम बिग मतलब बड़ा फियर्स मतलब भयंकर लायन मतलब शेर ये तो सबको पता होगा तो एक एक समय में क्या हो रहा था एक बड़ा भयंकर शेर के नियमों के अनुसार जंगल चलता था ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट आर स्केर्ड ऑफ हिम जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे किसे शेर से डरते थे स्केर मतलब डरना तो जंगल के जो सारे जानवर थे सब डरते थे शेर से वन आफ्टरनून आफ्टर हैविंग ए हैवी लंच द लाइन फेल ए एक दोपहर को शेर कुछ ज़्यादा खा लिया और खा के वो सो गया आफ्टरनून मतलब दोपहर हैवी मतलब ज़्यादा लंच मतलब दोपहर की खाने को बोलते हैं लंच और एसली मतलब सोना तो शेर दोपहर को ज्यादा खा लिया और खा के वो सो गया सुन ही स्टार्टेड स्नोरिंग लाउडली जल्दी ही उसने जोर जोर से खराटे लेना शुरू कर दिया बच्चों तुम लोग जानते होंगे कोई कोई लोग सोने के बाद खराटे लेते हैं वैसे ही शेर भी सो गया और जोर से खराटे लेना शुरू कर दिया स्नोर मतलब खराटे लेना सुन मतलब जल्दी स्टार्ट मतलब शुरू करना लाउडली मतलब जोर से नेक्स्ट टू the तो जहाँ पे शेर लेटा हुआ था उस जगह के पास एक चूहा का घर था होल मतलब छेद तो चूहा कहाँ पे रहता है छेद पे रहता है होल पे रहता है तो उसका घर था एक चूहा का घर था जहाँ शेर लेटा हुआ है उस जगह के पास

वेर द साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम मतलब बाहर निकलना वो बाहर निकल के आया देखने के लिए कि कौन ऐसे खराटे ले रहा है जोर जोर से जिसके वजह से उसको परेशानी हो रही है द द माउस सो एंड स्नोरिंग है बिली फिर चूहा जब अपने हॉल से बाहर निकल के आया फिर उसने देखा कि एक शेर सोया हुआ है और जोर जोर से खराटे ले रहा है सो मतलब देखना स्लिप मतलब सोना और हेविली तो मैंने बता दिया था जोर से तो उसने देखा शेर सो के जोर जोर से खराटे ले रहे है ही क्लाइम्ड ऑन द बैक ऑफ द लायन एंड ऑन मतलब ऊपर चढ़ना बैक ऑफ द लायन मतलब लायन की पीठ तो शेर की पीठ शेर की पीठ के ऊपर चूहा चढ़ गया और स्टार्टेड जंपिंग मतलब जम मतलब कूदना तो कूदना शुरू कर दिया द लायन फेल्ट

मतलब चढ़नाइंट डाउन मतलब नीचे उतरना फिर क्या हुआ वो शेर के नाक के पास उतर आया। कौन चूहा चूहा जो पीठ के ऊपर चढ़ गया था फिर वो उतर के शेर के नाक के पास आया एंड टिकल्टाचे मस्टाच मतलब मूछ तो शेर की मूछ होती है तो फिर क्या किया चूहा ने शेर के मूच को गुदगुदाने लगा द लाइन अप एंड सींग द माउस गॉट वेरी एंग्री शेर की नींद खुल गया वो कब मतलब उठना शेर का नींद खुल गया और वो गुस्सा हो गया चूहा को देख के एंग्री मतलब गुस्सा करना ही क्विकली ग्रैब्ड द माउस इन हिज पावरफुल पॉज ग्रैब्ड मतलब पकड़ना क्विकली मतलब जल्दी पावरफुल मतलब शक्तिशाली पॉज मतलब पंजा शेर की पंजा होती है वो अपने पंजे से शक्तिशाली पंजे से पावरफुल मतलब शक्तिशाली वो अपने शक्तिशाली पंजे से चूहा को पकड़ लिया द लाइन देन सेट टू द माउस यू नॉट ई माउस हाउ डे आई यू डिस्टर्ब माई ब्लिसफुल आफ्टरनून फिर क्या किया शेर गुस्सा होके चूहा से बोला कि नोटी मतलब दुष्ट दुष्ट चूहा तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई मेरे आनंदमय दोपहर को खराब करने की ब्लिसफुल मतलब आनंदमय डिस्टर्ब मतलब परेशान करना खराब करना तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोपहर को खराब करने की किसने बोला शेर ने गुस्सा होके चूहा से बोला नाउ आई तुम्हें खा जाऊंगा यू विल गेट पनिशमेंट फॉर डिस्टर्बिंग द किंग किंग मतलब राजा पनिशमेंट मतलब दंड डिस्टर्बिंग मतलब तो परेशान तो क्या हुआ शेर गुस्सा हो के उसको बोला कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें दंड मिलेगी एक राजा को परेशान करने के लिए